हेलो दोस्तों, आइए आज घर में ही गरम मसाला बनाते हैं। ये गरम मसाला बहुत ही खुशबूदार बनेगा और डेली यूज के लिए एक्सीलेंट है और इसका टेस्ट MDH गरम मसाले के आसपास होगा। तो इसे आप बनाएं, इंग्रेडिएंट नोट करें और इसके स्टेप्स को देख लें। बनाना बहुत ही आसान है, पॉकेट पर कम खर्च पड़ता है लेकिन टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसे बनाएं, घर में रखें और 2 महीना से ज़्यादा का गरम मसाला कभी भी ना तैयार करें, क्योंकि उसमें खुशबू का ही कमाल होता है और ज़्यादा पुराने गरम मसाले की खुशबू कम हो जाती है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ बारीक गरम मसालों को इस्तेमाल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून हमने यहाँ पर लौंग लिया है, 1 ही टेबल स्पून हमने इलायची लिया है और साथ में 1 टेबल स्पून ये बड़ी इलायची लिया है। ये खुशबूदार मसाले हैं जो कि गरम मसाले में बहुत यूज़ किया जाता है, लेकिन चूंकि ये डेली यूज़ करने वाला गरम मसाला है तो इन मसालों को हम ज़रा एहतियात से इस्तेमाल करेंगे और दूसरे जो ज़रा इससे सस्ते मसाले हैं वो हम इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने 5-6 स्टिक दालचीनी की लिया है और यहाँ पर आपको एक बात बता दें कि ये ओरिजिनल दालचीनी है। इसी का एक नकली दालचीनी भी मार्केट में है जो कि इस तरह की लकड़ी का होता है और इसकी पहचान ये है कि आप जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये काली दिखेगा इस तरह का। आप इसे अच्छी तरह से समझ और परख लें। जानते हुए कुछ खाना सही है लेकिन अनजाने में ये धोखा ना हो जाए। और ओरिजिनल दालचीनी बिल्कुल इस तरह की होती है, ये बिल्कुल लपेटी हुई और बहुत ही मुलायम लकड़ी की होती है जिसे आप आसानी से तोड़ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मैंने इसे अपनी एक ही उंगली से तोड़ लिया है, देखिए ये इस तरह का होता है। तो इस दालचीनी को आप जानकर यूज़ करें, अनजाने में धोखा ना खाएं। ये कैसिया नाम की एक लकड़ी है जो कि फ़ायदे के बजाय नुकसान ही करता है। अब लगभग 1/2 टेबल स्पून हमने यहाँ पर जावित्री इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर एक बार फिर से ये बता दें कि अगर मैं इसे स्पेशल मसाला गरम मसाला बनाती नॉनवेज के लिए, कोफ्ते वगैरह के लिए, तो यहाँ पर जायफल इस्तेमाल करती। ये जायफल की ही खुशबू वाली तासीर और टेस्ट रखता है, मगर जायफल से ये सस्ता होता है। तो यहाँ पर मैं जायफल नहीं इस्तेमाल करूँगी, यहाँ पर मैंने जावित्री इस्तेमाल किया और खुशबू बढ़ाने के लिए ये तेजपात है। इससे मसाले में खुशबू तो आएगा ही, साथ ही मसाले का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और ये डेली यूज़ के लिए गरम मसाले में इस्तेमाल किया जाता रहा है और आमतौर से MDH गरम मसाले में ये ज़रूर इस्तेमाल होता है। अब दूसरे मसालों में आप यहाँ पर नज़र डालें तो मैंने जैसा कहा कि ये मैं डेली इस्तेमाल का गरम मसाला बना रही हूँ। डेली इस्तेमाल होने वाले गरम मसाले में ये मसाला खुशबू तो आपको दे जा ही, साथ ही गरम मसाले के वॉल्यूम को भी बढ़ाएगा और इस तरह से ये आपको थोड़ा सस्ता भी पड़ेगा और डेली इस्तेमाल वाले गरम मसाले में इन चीज़ों की खुशबू ज़्यादा प्रोमिनेंट होती है। तो सबसे पहले तो ये मैंने 3 टेबल स्पून धनिया लिया है और 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, 1 टेबल स्पून काली मिर्च लिया है। जब भी आप धनिया लें तो धनिया को देख लें गौर से कि उसमें कीड़ा ना लगा रहे और वो फ्रेश धनिया होनी चाहिए, यानी सीज़न की फ्रेश धनिया होगी तो उसमें ज़्यादा खुशबू होगा और उसकी पहचान यह है कि वो थोड़ा ग्रीन कलर का होता है, उसमें कुछ दाने ग्रीन ज़रूर दिखेंगे। तो इन चीज़ों के साथ ही मैंने यहाँ पर 4-5 लाल मिर्च इस्तेमाल किया है। ये रिंकल्ड लाल मिर्च है जो कि ज़्यादातर कश्मीरी लाल मिर्च के नाम से मशहूर है और ये तीखी नहीं होती, मगर रेडीमेड गरम मसाले में इसका इस्तेमाल ज़रूर होता है क्योंकि ये मसाले के कलर को बढ़ा देता है
और जो तीखी वाली मिर्च होती है उसकी पहचान ये है, ये बहुत तीखी होती है। तो लाल मिर्च जब आप तीखे के लिए इस्तेमाल करें तो लाल मिर्च पाउडर में ये मिर्च इस्तेमाल होती है। और ये कश्मीरी रेड चिली है, तो इन मसाले से आपका वॉल्यूम तो बढ़ेगा ही, साथ ही टेस्ट भी इन्हेंस करेगा, और डेली मसाले के लिए ये ज़रूरी है। तो अब इन्हीं मसालों में हम अपना ये खुशबू वाला मसाला भी मिला लेते हैं और इसे हल्का सा सेक लेंगे। अगर आपके पास सौंठ का पाउडर हो तो आप एक टेबल स्पून वो भी मिला लें, क्योंकि मार्केट वाले सौंठ ज़रूर मिलाते हैं, सौंठ का पाउडर। तो इन चीज़ों से आपका बिल्कुल रेडीमेड MDH जैसा एक गरम मसाला तैयार हो जाएगा, जो कि बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही कारामद होगा। अब मैंने धीमी आंच पर पैन को रख दिया है और धीमी आंच पर ही इसे हल्का सा सेक लेना है। हमें इसे ज़्यादा लाल नहीं करना, लाल करने से इसका कुदरती तेल जल जाता है और मसाला बेकार हो जाता है, और वो स्टोर करने के बाद भी उसमें उतनी खुशबू नहीं आती, वो कसैला सा हो जाता है। तो बस ध्यान रखें कि ये ज़्यादा गर्म ना हो। अगर आपके घर में खड़ी धूप आती है तो 4 घंटे की धूप लगा देना भी काफ़ी है, मगर ज़्यादातर घरों में अब धूप नहीं आता, इसलिए थोड़ा सेक लेना बेहतर होगा। अगर आप इसे कोरमे के लिए या कोफ्ते के लिए बनाना चाहते हैं या इसको निहारी वगैरह में इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप इसमें 1 जायफल और 4-5 स्टार एनिस इस्तेमाल कर लें, तो ये परफेक्ट मसाला तैयार हो जाएगा आपके निहारी के लिए या नॉनवेज के लिए। अगर इस मसाले में आप 1 टीस्पून मेथी दाना इस्तेमाल कर लें और 1 टीस्पून सौंफ इस्तेमाल कर लें, तो फिर आप इससे चिकन कढ़ाही वगैरह बना सकते हैं, पनीर कढ़ाही में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो थोड़े थोड़े वेरिएशन से गरम मसाले का टेस्ट भी बदलता रहता है। चलिए, मसाला हमारा रेडी हो चुका है और इससे बड़ी अच्छी सी खुशबू आ रही है, तो हम यहीं पर इसे हटा लेंगे। अब इसे प्लेट में उछल लें और ठंडा होने दें। ये असली दारचीनी हमने ऑनलाइन मंगवाया है, जो कि सिलोन ट्रू सिनेमन क्वेल्स के नाम से आता है। आप चाहें तो इसे नेट पर सर्च कर सकते हैं। अब मैंने इसे एक मिक्सी पॉट में भर लिया है और इसे अब बारीक कर लेना है, मगर इसको पीसने का तरीका ये है कि आप इसे लगातार ना महीन करें, बल्कि रुक रुक कर इसे चलाएं, 3 या 4 बार में रुक रुक कर ये बारीक हो जाएगा। अगर आप लगातार चलाएंगे तो ये मिक्सी पॉट गर्म होकर इसका तेल निकल जाएगा और आपके गर्म मसाले का टेस्ट बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं, बिल्कुल खरे सोने जैसा गोल्डन मसाला हमारा ये गरम मसाला तैयार है। कितनी आसानी से, कितना प्योर और खुशबूदार ऐसा मसाला घर में ही बनाने से हासिल होता है। आप देखें, तो इसी तरह से आप भी इस मसाले को तैयार कर सकते हैं। और एक खास बात यह कि हर घर के गरम मसाले की अपनी ही खुशबू होती है, अपनी ही पसंद होती है, और उसी हिसाब से वो गरम मसाले तैयार किए जाते हैं। तो ये गरम मसाला हमारी पसंद और हमारे घर के मिजाज के हिसाब से है। हो सकता है 1-2 मसाले की घटत बढ़त आपको करनी पड़े, तो इसे बनाएं और इसे करी में इस्तेमाल करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार